वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया चैनल्स का और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सभी का, जो मेरी आवाज़ सारी आवाम तक और डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके जो आज मैं बाइट देने के लिए ज़रूरी समझा, जो दो दिन से जो हालात बदले हुए हैं मार्केट के, जो कल भी आज भी जो हालात है, जितने भी कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा सपोर्ट है हमारी इंडिया तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा ये जो सिटी है, ख़ास करके हैदराबाद, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं यहाँ पे, बहुत ही गर्व की बात है और इसी तरह रहनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये तारीफ़ काबिल है और सबको एक मैसेज है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसी तरह मिलके रहनी चाहिए। और ऐसे लोग जो है, जैसा कि राजा सिंह एमएलए ने जैसा बयान दिया था कि धर्म के नाम पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, ये पॉलिटिशियंस जितने भी है, सभी लोग को मेरी गुजारिश है, जितने भी आवाज़ उठाते हैं धर्म के नाम पर, ये धर्म के नाम पर आवाज़ उठाना बंद करिए। अगर वाकई में आपको दम है तो एक दूसरे से आप मार्केट में आके जवाब दे लें, सवाल के जवाब दे लें या जवाब सवाल कर लें, लेकिन ये आप सीट बैठकर अपना पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका जो सीट दिया गया है ये पब्लिक आवाम का दिया हुआ गिफ्ट है, आपको तोहफा है, जो आपको चुना गया आपके एरिया के लिए एमएलए बनाया गया, तो आपका इसका मतलब ये नहीं है वो सीट का ऑब्जेक्टिव आप छोड़कर उसको गलत इस्तेमाल करें, सबके दिलों में दरारें डालें। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाइयों से अपील है, हम सब एक हैं, एकता में रहें और काबू में रहें, एक दूसरे को समझें पहले, क्योंकि ये जो गेम है बहुत ही बड़ी गेम है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन की बात में, कोई पार्टी को मैं उंगली नहीं उठाते हैं हम लोग, ना कोई पार्टी को बुरा भला बोल रहे हैं, कि ये गौर करने वाली बात है। सिर्फ ये जब भी इलेक्शन करीब आने लगते हैं तो ऐसे बातें पैदा होते हैं कि धर्म के नाम पे झंडे गाड़े जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो, ताकि हम लोग वोट जीतें या टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो मैं ये अपील करता हूँ कि पहले जैसा हमारा हिंदुस्तान झंडा लहराता था, क्योंकि काफ़ी लोग एजुकेटेड डिसिप्लिन मैनर्स में रहते थे, तो इसी तरह रहनी चाहिए आजकल भी। तो उसी लिए आप अपनी सेवा करें, क्योंकि हमें ये लफड़ों में नहीं आना है कि हमें ये देखना है, इतनी बड़ी जब बात हुई है धर्म के नाम पे, इनको ऐसे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पीडी एक्ट डालनी चाहिए, जिसमें एक एक साल तक ये लोग अगर जेल में सड़ेंगे, ताकि चाहे वो एडवोकेट क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे डिपार्टमेंट वाला क्यों ना हो, कोई भी आदमी हो, नॉर्मल आदमी, इनको पीडी एक्ट ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि ये एक एक साल अगर सड़के बैठेंगे तब इनको अहमियत समझ में आएगी कि लाइफ है क्या, ये दिलों में दरारें जब इनकी बंद होगी डालना। तो मैं चाहूँगा कि तमाम मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, डिपार्टमेंट से और कई सभी लोग ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है, स्ट्रांगली अपील है कि सुप्रीम कोर्ट से, कि ऐसे लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो जैसा सस्पेंड किया गया वादा है बीजेपी कानून का, और इनको जो 10 डेज का जो गैप दिया गया है कि 2 सितंबर से पहले इनको बताना है कि क्या इनको करना चाहिए, आंसर देना है ये फीडबैक, तो मैं चाहूँगा ये फीडबैक की भी ज़रूरतें क्यों पड़ रही है आपको, क्योंकि जब इतना लाइव आपको बताया जा रहा है कि ये इतना धर्म के नाम पे झंडे गाड़ते हैं, चाहे वो नोमान फारूकी क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर धर्म के नाम पे अगर आप ये झंडा गाड़ के आप लड़ना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो, धर्म के नाम पर नहीं बात करना चाहिए, ये हम अपील करते हैं। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आज के बाद हम अपील करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से, जितने लोग को भी अगर आप सीट देना चाहते हैं या टिकट देना चाहते हैं, उनकी पहले बैकग्राउंड चेक करें और उनके तौर तरीके देखें, और उनको पढ़ा लिखा है नहीं है देखें, एजुकेशन देखें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, सब में बड़ी चीज़, क्योंकि जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, डिसिप्लिन जो रहता है, वो कभी गंदी बात नहीं करता, क्योंकि जो लोकल आदमी होता है, जो जिस तरीके की लाइफ गुजारा फैमिली के साथ, उसी तरीके के मार्केट में बात करेगा, क्योंकि वो अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती है, ऐसे लोग ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि किसी को धर्म के बारे में किसी भी एक दूसरे को नहीं मालूम, जिसका धर्म के बारे में उसी को बेहतर मालूम होता है, सब अपनी अपनी जगह है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी धर्म के नाम पे ना लड़ें, और सब आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम भाई भाई हैं, सब मिलके रहें और एकता में रहें, और यही हमारी पहचान है इंसानियत की, इंसान वही है, एक दूसरे को समझ कर चले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।